वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द एनी ऑफ क्रिएटिव। मैं ट्यूटोरियल के साथ वापस आ चुका हूँ। आज का ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टूल्स के बारे में है, जो कि कलर रिप्लेसमेंट टूल है। ब्रश की तरह ही सेम ही वर्क करता है, बट इसमें बहुत डिफरेंट थिंग्स है। तो इससे इस टूल से हम लोग क्रिएटिव फोटो एडिटिंग और टेक्सचराइज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ले लिया है, जो कि फ्री पिक्चर लिया है, फ्री है, नो कॉपीराइट है। सो सिंपली मैं इसका एक कॉपी ले लेता हूँ और कंट्रोल जे प्रेस करते हुए कॉपी ले लेते हैं। सो इसको हाइड कर देते हैं। फर्स्ट लेयर, आप लेयर का नेम देना है तो दे दीजिए, मैं नहीं देने वाला हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं जिस टूल के बारे में बताने वाला था, कलर रिप्लेसमेंट टूल, बहुत ही यूजफुल और क्रिएटिव टूल है। तो आपको ये ब्रश टूल में ही मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रश टूल और कलर रिप्लेसमेंट टूल एक ही प्रीसेट में रहता है, तो डिफ़ॉल्ट रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी सेम ही वर्क करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैं पेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कलर में दिखा रहा हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है। सिंपली इसमें भी ब्रश जैसा ही वर्क करता है, इलेजर करने के लिए ऐसा ही। देख सकते हैं यहाँ पे कलर आ रहा है, बट मैं इसमें थोड़ा सा और पर्पल दिखा देता हूँ कैसा वर्क करता है। देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स में हम लोग ऐसा ड्रैग करके यूज कर सकते हैं, बट इतना ही नहीं है कि यूज इतना ही है कि कलर हम लोग कहीं पे भी ड्राइंग करने का टाइम पे या फिर कुछ स्केच बनाने का टाइम पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको ही एक्सप्लेन करते हुए कुछ आपको क्रिएटिव्स दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। सो इसको मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ। सो बैक करते हुए जाएंगे और इसके बाद मैं इसको फर्स्ट मैं बैकग्राउंड को, पिक्चर को कटअप करने वाला हूँ ईजी ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टूल से। तो इसको मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ, ये ऑटोमेटिक क्विकली सेलेक्ट करके देगा, ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज करके। सो 2020 अपडेट्स में अगर कैसे कटअप करना है नहीं पता है तो आई बटन पे, यहाँ पे आई बटन पे, आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। सो देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। फिर मैं कंट्रोल जे प्रेस करके पूरा कटअप कर देता हूँ, बट मैं इसको विजिबली करने वाला हूँ, तो इसको दिखने वाला, इसको हाइड कर देते हैं। और देख सकते हैं इसको, जैसे ही मैं हाइड करूँगा कि बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। आपको ये लेयर सेलेक्ट करना है और मेक श्योर लेयर सेलेक्ट करके रखना है, और उसके बाद हम लोग के पास जाना है ब्रश कलर रिप्लेसमेंट टूल में जाना है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली आप लोग को यहाँ पे इसको पूरा पूरा पेंट कर देना है, पूरा कलर से ढक देना है पूरा लेयर को। तो मेक श्योर आपका इनवर्ट होना चाहिए। मैंने इनवर्ट का बारे में भी बहुत सारा वीडियो में बताया, अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना, मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे है, इनवर्ट बहुत यूजफुल रहता है। तो देख सकते हैं फाइनली सेलेक्ट तो कर लिया है, बट इसमें पूरा ब्लू दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ब्लाइंडिंग ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको चेंज करना है कौन से में अच्छा दिखता है बोल के। तो देख सकते हैं इसमें भी जाएंगे तो ह्यू एंड सैचुरेशन में जाएंगे भी अच्छा ही दिख रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे भी कलर चेंज हो गया, ग्रेडियंसली कलर चेंज हो गया। आपको कौन सा पसंद है आप इसको चूज करके देख सकते हैं। और मैंने बताया था टेक्सचर जैसा लुक भी देता है, बट इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में भी टेक्सचर चेंज कर देता है, और यहाँ पे सॉफ्ट लाइट में जाओगे तो आपका टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। देख सकते हो वो स्किन हाईलाइटेड हो रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो हाईलाइटेड हो रहा है। और आप चेंज करते ही जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कैसा है। जस्ट ब्लाइंडिंग ऑप्शन चेंज करना है, इसमें सॉफ्ट लाइट में ही अच्छा रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं क्रिएटिव हो गया है। जैसा कि इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ, देख सकते हैं पहले बिफोर पिक्चर कैसे था, अभी नाव देख सकते हैं यहाँ पे। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि यही भैंटा कलर यूज करें बोल के। सो देख सकते हैं यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज कर देता हूँ, इसमें जाके आप यहाँ पे मान लो इसी को ले लीजिए, ये बहुत ही स्किन से बहुत ही मैच करता है। फिर से आपको कलर रिप्लेसमेंट टूल में जाना है। यहाँ पे कलर रिप्लेसमेंट टूल में जाने के बाद आप देख सकते हैं इसको, फिर से आप यहाँ पे
प्लेस करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किन का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ वी ऑलरेडी यूज ब्लाइंडिंग ऑप्शन। सो मैं दिखाता हूँ आप लोग को, तो ब्लाइंडिंग ऑप्शन को फिर हम लोग एक बार फिर से चेंज करके देखेंगे, चेंज करके देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेक श्योर आपको कलर पूरा ढक देना है। सो देख सकते हैं यहाँ पे ढक गया है, तो उसके बाद फिर से जाएंगे हम लोग, देख सकते हैं सॉफ्ट लाइट यूएन सेचुरेशन, देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। और फिर से हम लोग सॉफ्ट लाइट में जाएंगे तो स्किन सॉफ्ट हो गया है, देन मल्टीप्लाई में जाएंगे आप देख सकते हैं डार्कर हो गया है। तो ऐसे ही करके आप क्रिएटिव्स बना सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको सॉफ्ट लाइट रख देता हूँ स्किन चेंज। और वन मोर थिंग, आप टेक्स्ट इमेज तो हो गया, मैंने इमेज में दिखा दिया, आप टेक्स्ट में भी ऐसा ही क्रिएटिव यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स ले रहा हूँ, कंट्रोल एंड प्रेस करके भी आप लिख सकते हैं। मैं राइट हैंड साइड पे प्रेस करते हुए यहाँ पे मैं 1200x1200 लेता हूँ, और रेगुलेशन डजन मैटर मैटर नहीं करता है, मैटर नहीं करता है कि सेटिंग रखना। तो यहाँ पे मैंने न्यू डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद NF क्रिएटिव लिख दिया है मेरा चैनल ही। तो मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऑल्सो घंटे को भी दबा देना जो कि बहुत फ्री है। देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग कलर रिप्लेसमेंट यूज़ कर नहीं पाएंगे, डायरेक्टली हम लोग कलर रिप्लेसमेंट टूल यूज़ नहीं कर पाए, दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिसेबल हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट प्रेस करते हुए, आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कंट्रोल प्रेस करते हुए, तो इसको रेस्टराइज टाइप करना पड़ेगा। रेस्टराइज टाइप करने के बाद बैकग्राउंड पूरा प्लेन हो जाता है जो कि रिमूव हो जाता है, तो रिमूव हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, मर्ज कर देने से बेटर रहेगा, तो देन हम लोग यूज कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे दूसरा कुछ कलर ले रहा हूँ, रेड समथिंग। सो देख सकते हैं रेड लेने के बाद मैं यहाँ पे देन अभी ड्रैग कर पा रहा हूँ, देख सकते हैं इसमें अभी भी इन्वर्ट है, इन्वर्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डाल सकता हूँ ऐसे ही, आप और भी डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे ये वाला, कोई भी आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हो। और सिग्नेचर जो मोस्टली यूज होता है फोटोग्राफी, और ये सिग्नेचर यूज होता है उसमें यूज होता है ये मोस्टली। तो आपको मैं, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, ऑल्सो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना।